व्लॉग का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, तो इसका कोई स्टैंडर्ड बना भी नहीं सकते। मगर एक गाड़ी कार गाय का मीटअप के लिए हम जाएंगे अपने बेस कैंप, जो कि है मेरे दोस्त अब्दुल्ला की तरफ। मैनुअल गाड़ी है और उसके बाद हम पहुंचेंगे वो ब्लू गाड़ी आप देखिए, और काफ़ी लोग आए हुए होंगे। नहीं, अभी नहीं कोई आया। चलें कंटिन्यू करते हैं अंदर। टोपी ये हमारे की नेशन के एडमिन की गाड़ी, बहुत सारी मिट्टी मिट्टी हुई है, कल ही पॉलिश की थी। और ये मैं आपको बताता हूँ कौन टीम में क्या हो रहा है, कौन टीम में सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। हम की नेशन के क्वारंटीन व्लॉग्स बना रहे हैं डॉक्टर फैजान भाई के साथ, हमारे जो है ना डिटेल की नेशन एडमिन एक्सपर्ट। मम देखेंगे शक्ल नजर आएगी हमारे एडमिन की इसमें। डॉक्टर साहब कितनी सफाई हो गई गाड़ी की? भाई कोशिश कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी है मेरी, बाहर खड़ी है कोई नहीं, डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। डॉक्टर इज लोडेड, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ना, सही डॉक्टर है ये हमारे डॉक्टर फैजान की कूपन, और इसका एक छोटा सा बीरोल सेगमेंट दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ये क्या किए, कहाँ पे मारी है? पॉइंट आउट करो, देख रहे हो लगी यहाँ पे छोड़, यहाँ पे लगी है। 100 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के, तो तुमने 15 देने थे, 10 तुम रख लो भाई। सब छोड़ो, अब्दुल्ला साहब फुल यू नो इन द जोन। जो सफाई वाले सारे काम होते हैं, हम मोस्टली ना सारे मिलके संडे की सुबह करते थे, उसके बाद हम मिलके ना क्रूज़ पे जाते थे, ना बचा क्रूज़। और अब रोज़ ही एक तरह का संडे ही चल रहा होता है, जब गाड़ी गंदी हुई ना तो या तो डॉक्टर साहब आए थे, हमारे कुछ क्रू मेम्बर ना एडमिन के घर आ जाते हैं कभी कभार, हर वक्त नहीं कि मुँह उठा के आ जाओ, प्रेशर वॉशर शुरू कर दो साफ़ सुथरा करना, अगले के भी घर होता है। और बस अब फिलहाल साफ़ करके वापस घर ही जाएंगे, या फिर गप्पे मारेंगे एक दो तीन बैठ के, तो यही सारी रूटीन है। अब पता है घर बैठ के क्या, कितना घर बैठो गया उतना, अब तेज़ धूप भी निकल आई है, वरना वो नीला आसमान सारा नज़र आ रहा होता है अक्सर, जो कितना साफ सुथरा। ये बराबर में घर वाले हॉर्न मारे जा रहे हैं। वैसे प्रशांत भाई बोनट दे थले की है शापर शो, गाड़ी तो नई नई लग रही है। लो जी लोग सीटों के ऊपर से शॉपर उतारने में कतराते हैं, मगर चलो उतार देते हैं, आपने तो इनटेक वगैरह। गाड़ी गंदी हो जाएगी भाई, नई गाड़ी भी है बड़ी महंगी है ये शॉपर के बगैर नहीं खाने वैसे फजान भाई मजाक कर रहे हैं, ये इन्होंने अंदाज़े प्रेशर वॉशर से धोते हैं, ठीक हो गया। तो आपने ये ध्यान करना होता है कि आपके ब्लो ऑफ वाल्व, इनटेक पाइप जो कितना ज़्यादा नज़र आ जाता सामने, और ए बैटरी, बैटरी के अंदर पानी नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा, हमारे की नेशन में सबसे ज़्यादा जो हैवीली लोडेड फुल फीचर में गाड़ी है ना, जो कि सही जापान से तैयार हुई है, वो हमारे ये डॉक्टर साहब की है, जिसका मैंने पीरो सेगमेंट दिखाया था थोड़ी देर पहले।
थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाते हैं कि इसमें है क्या क्या लगा, और अगर हम देखें तो इनके पास जो क्लस्टर लगा हुआ है अपना, वो इनका कस्टम है जो कि बाहर से मिला हुआ है इनको। इनके पास डेफी की दो गेजेज हैं, एक बूस्ट गेज है और एक टेम्परेचर गेज है, ये मेरे ख्याल से वाटर टेम्परेचर गेज है ना। हाँ, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे थ्रॉटल कंट्रोलर, ये आपका है बिल्ट्स का थ्रॉटल कंट्रोलर है, बिल्ट्स BLTZ। इसके अंदर ना तीन फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप गाड़ी का जो थ्रॉटल रिस्पांस होता है वो बढ़ जाता है, गाड़ी की पिक काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है इससे, और इकोनॉमिकल भी आपकी गाड़ी, अगर आप थोड़ा सा पेट्रोल बचाना चाहते हैं तो। मोमो का कस्टम स्टेयरिंग बुलबुले वाली हमारे जो है कम्यूटेटर डॉक्टर साहब है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत यू नो म्यूजिक व्यूजिक सिस्टम जो है हाथ में हो। ओहो, असल में ना जब दिल धड़कता है ना हमारे डॉक्टर साहब का, तो ये स्टेटोस्कोप से चेक करते हैं, ये जब भी गाड़ी में बैठते हैं ना तो अपने पहले हार्ट बीट चेक करते हैं। मेक दिस थिंग प्रोमिनेंट, आई हैव अ नेम। ये भी ब्रांड का ही ना, ओ डॉक्टर फैजान लिखा हुआ है इसके अंदर, कमाल हो गया। फोन में नहीं इतना मजा। तो ये थे इंटरनल्स गाड़ी के, बाकी काकी मोटर रेसिंग का थोड़ा सा है इसके अंदर इंटरनल कस्टमाइजेशन है, सारी ऑलमोस्ट। ये काकी मोटर यहाँ पे भी आप देख लें सारा स्टफ, ये बड़ा प्यारा सा एम्प लगा हुआ है, इतना कॉम्पैक्ट है कि तो कहाँ कहाँ से काम कर लेते हैं। पैडल भी काकी मोटो के हैं, मगर इसके अंदर कस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, वो हम आपको थोड़ी देर तक, अभी पहले एग्जॉस्ट सिस्टम दिखाते हैं। एग्जॉस्ट डॉक्टर साहब थ्रॉटल, ये थ्रॉटल का आई थिंक सो, ये एग्जॉस्ट जो है आपका तो ये टोटल कस्टम जैपनीज काकी मोटर्स का एग्जॉस्ट सिस्टम है पूरा, थ्रू आउट पाइपिंग हुई हुई है इसकी गाड़ी की इंटरनल तक। फिर काकी मोटर्स की तरफ से इन्होंने स्पॉइलर दिया हुआ है, स्पेशल रिम है इसके, CRS रिम्स, CSR रिम्स, जो कॉयल ओवर ने वो भी एच के एस के हैं पूरा, इसका कॉयल ओवर्स, इसके सस्पेंशन एच के एस के चेंज हुए हैं, ये अगर छोटा सा एच के एस 4 HKS। और फ्रंट पे भी आपके हैं टोटल एच के एस की सस्पेंशन, जो कि वो छोटा सा नट से आपको कलर टोन का अंदाज़ा हो जाएगा, और ये SSR के है, CSR के रिम्स। बैक साइड वाले आपके 15 इंच की नहीं, दोनों 16 के है ना। हाँ, और यहाँ पे वैसे 150 का लोगो होता था, मगर अब काकी मोटर रेसिंग ने जब इस गाड़ी को पूरा कस्टमाइज किया था तो ठप्पा तो लगाना था, ठप्पा लगाना। और फिर आते हैं यहाँ पे द हार्ट ऑफ द कार, तो स्टेनलेस स्टील का जो सिस्टम होता है ना, ये सारा काकी मोटर्स की तरफ से, सारी डिज़ाइनिंग काकी मोटर्स की तरफ से है। बाकी एच के एस का इंटेक, एच के एस का ब्लो ऑफ वेल्व, ये स्ट्रट बार है आपके 10 अब 10 अब कंपनी के नाम से, मगर ये गाड़ी को जो है ना स्टडीनेस देता है, कि गाड़ी जो है ना पकड़ में होती है, स्टिफ रहती है, लचक नहीं आती वाले में। फिर ये आपके संभाल लो के इलेक्ट्रोड्स वगैरह ग्राउंड करते हैं, कि फ्यूअर जो आपके स्टैटिक चार्ज जो इंजन के ऊपर पैदा होता है सारा, और फिर सैमको के पॉइंट्स वगैरह। तो ये बेल्स एंड विसल्स होती हैं जो कि जब आप एक गाड़ी को इनिशियल ट्यूनअप में, जब आपने मेन चीज़, हाँ फजान भाई ज़रा ब्लो वैल्व को ज़रा पंप कीजिएगा, ये होते हैं टर्बो के शश के। तो ये सारे गाड़ी का इंटरनल एक्सटर्नल जो सारे फीचर्स थे, कूपन में लोग समझते थे बहुत लिमिटेड है कि गाड़ी खरीदी और छत उतार के बस चलाई, मगर गाड़ी के अंदर डेफिनेटली पावर आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर काकी मोटर्स के तरफ से जो है, मैं कितना ज़्यादा ब्रांड नाम लूँगा, अभी जो भी कस्टमाइजेशन इसके अंदर हुई हुई है वो काफ़ी कह सकते हैं कि गाड़ी के जो मज़ा है उसको दुबाला, जो आजकल की टीवी चैनल वाले कहते हैं, कर देती है। असल फ़न गाड़ी का वहाँ से शुरू होता है। बाकी किसको एक अच्छी रेंज में कन्वर्टेबल कार नहीं चाहिए, जो कि डेली ड्रिवन भी हो सकती है, अफोर्डेबल प्राइस में भी होती है, और यू नो आपको बाकी सारा पता है।
तो ये थी आज हमारे फैजान भाई की गाड़ी का रिव्यू। और डेप्थ रिव्यू नहीं है, ये बहुत ही इनफॉर्मल रिव्यू है। मैंने थोड़ा सा डिटेल्स को हाईलाइट किया। बाकी हमारे जो एडवांस साहब की अभी ये है कूपन, इसका हम नेक्स्ट सेगमेंट में व्लॉग करेंगे, बताएंगे। मैं अपनी वाली गाड़ी को सबसे एंड में करूँगा, जब तक कि मैं अपनी तसल्ली में ना ब्लॉक करूँ। सो या तो हाँ, मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दो, आएंगे वापस। सो ओके, होप यू लाइक द व्लॉग, सब्सक्राइब कीजिएगा। की नेशन को भी ये हैंडल लगा हुआ है साइड पे, की नेशन का और केजे का। सो टेक केयर। In the back just blew out. Everything I do end up in the news now. Yeah, be the crowd with a few now. Just some Hollywood girls and they do chow. I'm drunk in the mood now. 2 a.m., what you wanna do now?